हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग जो चैप्टर है वो आपको बताता है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम सबको पता है कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन उनकी जो स्किल है वो है इन्वेस्टिंग, लेकिन जो उनका सीक्रेट है वो है टाइम। जैसे हम लोग सब लोग बोलते हैं कि टाइम ही मनी है, ये एक तरह से सबसे सही बात है कि टाइम ही मनी है, लेकिन इसको समझना जो है वो आप वॉरेन बफेट से पूरा सीख सकते हैं। उन्होंने अपने 10 ईयर्स की एज में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, दैट्स वाई वो आज के ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मिलियंस में कमाते हैं, फिर उनके नेटवर्थ भी मिलियन में। मॉर्गन ने बताया कि वॉरेन बफेट में अब तक बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, लेकिन जो की पॉइंट है वॉरेन बफेट के सीक्रेट का वो टाइम, वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। टाइम के साथ अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली की जाए तो बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट दे सकती है। मॉर्गन ने बताया है यू डोंट नीड ट्रेमेंडस फोर्स टू क्रिएट ट्रेमेंडस रिजल्ट। काफ़ी हद तक की बात सही है, क्योंकि आप हमेशा कोई भी चीज़ या फिर कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करती है तो वो बहुत छोटी होती है, लेकिन जो अगर उसको कंसिस्टेंटली के साथ किया जाए या फिर परसिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जाए और टाइम के साथ वो इतना ग्रो कर सकती है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आइंस्टाइन ने बताया है कि जो कंपाउंडिंग है वो 8वां अजूबा है पूरे दुनिया का। इसका क्या मतलब है, क्या है ये कंपाउंडिंग? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कंपाउंडिंग क्या है। मान लीजिए कि मैं आज की एज में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि बहुत लीस्ट से लीस्ट मुझे 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है जो कंपाउंड होता रहता है। तो 50 साल बाद जब मैं उसी पैसे को देखूँगा, सिर्फ 10,000 मैंने बोला, 50 साल बाद जब मैं उसी पैसे को फिर से देखूँगा तो वो जो अमाउंट होगा वो रफली 11 लाख के करीब होगा। सोचिए 10,000 इतनी छोटी सी अमाउंट ऑफ मनी अगर आप अभी से सेव करते हो तो 50 साल बाद वो आपको कितना ज़्यादा रिटर्न देगी। कंपाउंडिंग सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, कंपाउंडिंग हर चीज़ से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ अगर आप परसिस्टेंस के साथ या फिर कंसिस्टेंटली करते रहते हैं ओवर द टाइम तो वो आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट दे सकती है। जैसे मान लीजिए आपने, जब मैं छोटा था तो मुझे बोला जाता था कि तुम डिक्शनरी के बस 2-3 वर्ड याद करो 365 डेज में तुम्हारे कम से कम 1,000 वर्ड तुम्हें याद हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। बट मैं हमेशा सोचता था कि हाँ यार कितना अच्छा लगेगा कि मुझे 1,000 वर्ड याद हो जाएंगे, लेकिन इसको जब करने बैठता था मैं तो ऐसा हो नहीं पाता था, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैं हर रोज़ शायद 1-2 दिन हमेशा कर देता था, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं कर पाया। जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ है कि कंपाउंडिंग की ताकत है तो पूरी दुनिया में है, मतलब एग्जिस्ट करती है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है ये है कि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं कहता हूँ इंसानों, इस बुक से पढ़ने से पहले मैं चाहता था कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले। मैं जब फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं जब गोल मार लेता हूँ तो वो इंस्टेंट रिजल्ट होता है जो मुझे बहुत पैशनेट करता है या फिर इनकरेज करता है। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है जो जस्ट क्विक रिजल्ट दे दे। बट कंपाउंडिंग के केस में अगर आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में और जानना है तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, वो आपको और अच्छे से समझा पाएंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है। तो दैट्स ऑल, ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के बारे में। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए।